10वीं के छात्र ने दोस्त को मारी गोली। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में एक छात्र ने अपने ही मित्र को कोचिंग सेंटर में अवैध हथियार से गोली मार दी और फरार हो गया। गोली लगने से घायल हुआ छात्र किसी तरह घर पहुंचा और परिजनों ने आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में पुलिस को सूचना मिली और जिला अस्पताल पहुंचकर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। दरअसल मामला है जनपद अमरोहा के थाना देहात क्षेत्र का। थाना क्षेत्र अंतर्गत ननहेड़ा आलियापुर गांव के पास कोचिंग के दौरान दो छात्रों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक छात्र ने अवैध तमचे से दूसरे छात्र को गोली मार दी और फरार हो गया। गोली टांग में लगने से छात्र बुरी तरह घायल हो गया और किसी तरह अपने घर पहुंचा। जब परिजनों ने छात्र की हालत देखी तो आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली और पुलिस भी आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जानकारी हासिल की। ये कोचिंग करने गया था और मैं कोचिंग के शिक्षक से गोली मारी है। किसने मारी? जितेंद्र का लड़का है, दीपक नाम है। कहाँ के रहने वाले? ननहेड़े का। किस बात को लेकर मारी? क्या इस बात का नहीं कह सकते, इस बात को लेकर मारी, अंदर कोचिंग में थे। कोचिंग में गोली मारी? अच्छा, पुलिस पहुंची मौके पर? पुलिस मौके पर नहीं, हालांकि यही घर आया था, गिरता पड़ता तो पुलिस बाद में कॉल करी है। किसने करी पुलिस को फोन? हमने घर से करी है। अच्छा, कोई वो भी इनके साथ पढ़ते कोचिंग में? हाँ, ये इनके साथ पढ़ता, साथ ही पढ़ता। रिपोर्ट होगी इसमें? नहीं हुई अभी रिपोर्ट। देखो अभी कह नहीं सकते, फोन किया था अभी, हम तो यहाँ आ गए। क्या नाम है लड़के? इरफान अली। क्या करते हैं कोचिंग में? कोचिंग कर रहा है। क्या तैयारी कर रहा? किस चीज़ की तैयारी कर रहा? ये फोर्स लाइन की। फोर्स लाइन की तैयारी। जी बोल सर, जो ये छात्र ने जो गोली मारी है छात्र को, क्या है पूरा मामला? अमरोहा जनपद के देहात थाना क्षेत्र में एक 10वीं के छात्र ने एक दूसरे छात्र को पैर में गोली मार दी है। गोली जांघ में लगी है। मजरूब का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत करके गोली मारने वाले की तलाश की जा रही है। वो भाग गया है। विवाद क्या था दोनों के बीच? अभी विवाद के संबंध में पता नहीं चला है। अभी गिरफ्तार करने के बाद पता चलेगा क्या मामला था। दोनों स्टूडेंट हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों ही छात्र एक कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं और किसी बात को लेकर दोनों में ही विवाद हुआ था, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने अपने ही मित्र को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। प्राइम न्यूज 24 के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।